अक्षय, आप ही से शुरुआत होगी। एक बार बताइए, अगर मैं पूछूं, आप बार बार ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एजुकेशन मॉडल, और दिल्ली में एटलीस्ट ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, कुछ स्टेट्स में भी बना, क्या है इसमें ऐसा स्पेशल, क्या है बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, और डीबीएससी के स्कूल्स को भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानती नहीं है। नहीं बिल्कुल जीनत जी, पहली बात तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस विषय पे आज अपना मेन डिबेट, प्राइम टाइम डिबेट कर रही है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो किसी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर खास ध्यान हमेशा ही होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें राजनीति ना हो, हम केवल और केवल मुद्दों की बात करेंगे। और आपने जो सवाल पूछा मुझसे डीबीएससी के बारे में, वहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं और कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है कि जो रट्टा प्रोसेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पूरी तरह से जो रट्टा का कंपोनेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स में, उसको हमने हटा दिया। हमने सारे सवाल, जो भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे सवाल समझने के ऊपर बेस कर दिए, ताकि कोई भी बच्चा रटने के प्रेशर में ना आए, वो समझने की कोशिश करे और अपनी समझ के हिसाब से उसका जवाब दे। मैं आपको केवल एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, हिस्ट्री के पेपर में उनसे ये नहीं पूछा जाता बच्चों से कि इस साल में इस प्रांत में क्या हुआ, उनसे ये पूछा जाता है कि ये जो चीज हमारे इतिहास में हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप समझते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, और आप अपने विचारों से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके ऊपर फोकस है, ना कि आपने कितना रट के आप आए हो उस दिन। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमने जो चेंज किया वो ये कि आज तक जो सिस्टम चलता आया है उसमें साल के आखिर में 3 घंटे का एग्जाम होता है। उस 3 घंटे के एग्जाम में बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, पूरा घर एक तरह से उस बच्चे की पढ़ाई में लग जाता है। हमने उस सिस्टम को बदल कर हमने कहा कि साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक हम छोटे 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 टेस्ट करवाते रहेंगे, उन सारे टेस्ट का भी रिजल्ट आखिर के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, ताकि सिर्फ वो 3 घंटे के एग्जाम के बेसिस पे आप किसी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये दूसरा बड़ा कदम लिया। तीसरा बड़ा कदम ये लिया कि हमने कहा कि जो मूल्यांकन आज की डेट में प्रतिशत में होता है कि आपको 95% मार्क्स आए या 96% मार्क्स आए, इन सारे नंबरों का कोई मतलब अब रहा नहीं है। आप हर साल देखेंगे रिजल्ट में किसी को 99 आ रहे हैं तो किसी को 98 आ रहे हैं, इसका कोई मतलब बचा नहीं है अब हमारे देश के सिस्टम में, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे 12वीं क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं। आप कैसे कहेंगे कि जिसको 91 मिले हैं वो 92 वाले स्टूडेंट से कम पढ़ा लिखा है या कम उसकी क्षमता है। तो हमने इसको बदल के अब ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम पे लाया है, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, जहां पे टॉप के दो जो श्रेणियां हैं, नंबर 6 और नंबर 7, इन दो श्रेणियों में सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले बच्चों को हमने आंका है, और उसके नीचे जितना आपके कम नंबर आएंगे उसको आप अलग अलग ग्रेड पॉइंट पे डालेंगे, ताकि बच्चों के अंदर वो जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला जो सिस्टम है कि आपने अगर एक मार्क आपका यहाँ चूक गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो वाला प्रेशर हम बच्चों पे नहीं डालना चाहते, क्योंकि उसका कोई भी इम्पैक्ट आगे की जिंदगी में हमें नहीं दिखाई दे। ठीक है।